नमस्कार, मैं नसे फ्यूर, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के सैमवेयर हमले को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि वे ऐसे हमलों के नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। अपराध में शामिल गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर जोर दिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की विदाई के बाद से ही तालिबान ने हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने देश के 85% हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया है, जिसके बाद घबराई अफगान सरकार ने भारत, रूस और चीन से मदद मांगी है। सऊदी अरब ने इस साल हज करने वालों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 60,000 लोगों को चुना गया है। मंत्रालय ने कहा कि हज के लिए जिन लोगों को इजाजत दी गई है उसमें 150 देशों के लोग शामिल हैं। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पद संभालने से पहले ही भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में तेहरान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 5 अगस्त को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को आमंत्रण दिया है। कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर में प्रस्तावित बीजेपी की बैठक के विरोध में किसानों ने हंगामा किया। बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को आना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यूपी में भविष्य में जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को कभी चुनाव में नहीं लड़ाया जाएगा, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। कश्मीर में महिला जवानों की तैनाती कर दी गई है। आतंक का खात्मा करने के लिए घाटी में पहुंची असम राइफल की विमेन सोल्जर। लड़कियों में पुलिस ज्वाइन करने को लेकर जोश है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। लखनऊ में 10 में से भाजपा को 3, सपा को 5 सीटों पर कब्जा हासिल किया है। 15 जिलों में हिंसा देखने को मिली है। इटावा में एसपी सिटी के थप्पर मारा गया, जबकि प्रतापगढ़ में फायरिंग हुई है। उच्च न्यायालय द्वारा लगातार सरकारी अस्तरों को तलब करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। अदालत ने कहा कि उन्हें राजाओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, बार बार अफसरों को तलब करना जनहित के खिलाफ है। भारत श्रीलंका की सीरीज अब 18 जुलाई से होगी। 29 जुलाई तक खेले जाएंगे 3 वनडे और 3 T20 मैच। श्रीलंकन स्क्वाड में कोरोना आउटब्रेक की वजह से ये फैसला लिया गया है। पहले ये सीरीज 13 से 25 जुलाई तक होनी थी। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।